आप बोले, अब आप आ गए हैं भारत भोपाल के भारत भवन पर। ओके, चलिए आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हम भोपाल के भारत भवन के गेट पर जा रहे हैं। यहाँ पर भारत भवन, चलिए चलिए चलिए। ये नाटकों के पोस्टर लगे हैं यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट नाटक होते रहते हैं, थोड़ा सा आर्टिस्टिक भी है, ये नहीं पता ये है क्या चीज़। ये नए नए पोस्टर लग रहे हैं, ये पूरा कैंपस है, काफ़ी बड़ा नज़र आता है। और ये सामने एक रेस्टोरेंट है, कैंटीन, इसमें जाएंगे जी। कुछ आर्टिस्टिक कलाकृतियां बना रखी हैं, ये नहीं पता ये हैं क्या। पेड़ बहुत खूबसूरत है ये। ये हम आ गए हैं रेस्टोरेंट में। इसका नाम है स्वाद रेस्टोरेंट, बड़ा अच्छा रीजनेबल रेंट पे सामान मिलता है, टेस्टी है। इसका नाम है स्वाद रेस्टोरेंट है। हाँ जी भाई साहब, बिल बना दिया आपने? दीजिए। अब हम लोग भारत भवन के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। ये इसका मेन एंट्रेंस है। यहाँ पर हम देख रहे हैं सामने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं और सारे विजिटर इधर आ चुके हैं और हम इनको देख लेते हैं एक बार। ये काफ़ी ओपन कैंपस है, काफ़ी बड़ा कैंपस है। आइए, ये हमारे साथ के लोग विजिट कर रहे हैं। ये भारत भवन से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां हैं, इससे पूरा डेटा शीट है। ये ट्रस्ट है, इसके मेंबर्स, जी दयानंद जी, जी सर, आप क्या देखते हैं यहाँ? बस सर, अटेंडेंट की पोस्ट नहीं है बस। ये कुछ बताएं अपने भवन के बारे में, हल्का फुल्का।
तो रोज ही देखते, वो तो कहते हैं कि मनोज भाई खुद इसके जानकार है, उसे बता देंगे वैसे भी। चलिए धन्यवाद मनोज भाई आपके। यहाँ पर ये आर्ट गैलरी है, अलग अलग लोगों की कलाकृतियां हैं। विदेश के भी बड़े आर्टिस्ट की पेंटिंग है। खूबसूरत पेंटिंग है केले की। इन पर किसी पर नाम लिखा है, किसी पर नहीं भी लिखा है? नाम तो सब पे लिखा है, बड़े आर्टिस्ट के सब के नाम। इसी तरह से ये आप लोगों को ये कैसा लग रहा है? ऐसा तुमने देखा नहीं होगा। तो मैं इसकी भी एक फोटो ले लेता हूँ। और ये क्या है? उसके पालतू कुत्ते और दो और कुछ लोग उसको रोक रहे, कुछ बच्चे उसके रास्ते में आए हैं, कुछ पैसा है। ये लग रहा है जैसे आपको कैसी लग रही है ये प्रदर्शनी? ये म्यूजियम है। क्या सूंघ रहे हैं आप लोग? ये आर्टिस्ट सेंट बनाया है मोवे का। अच्छा, मोवे और चावल का। अच्छा, तो ये आप भी थोड़ा सा इसको स्मेल ले इसकी। चलिए काफी भयंकर किस्म का सेंट है। कोई नहीं देख रहा। हाँ। मैं किसी क्या होता हूँ, मैं देख रहा हूँ लड़की करी क्या बोली अलग आई।
किसकी? ये खूबसूरत चित्रकारी है। इधर आइए, ये देखिए, इसमें छोटी छोटी पेंटिंग्स हैं, बहुत सारी। हाँ, इधर देखें, ये देखो ऊपर छतरी, यहां देखो ये तीन मशीनी मानव। पता नहीं ये मानव है मशीन है, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये तार है। तार के बीच में पेड़ है। और मुझे देखना है इधर कुछ और भी हैं। ये देखिए कि क्या है, एक बहुत खास चीज है ये। ये भोपू है, इसमें इतने 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 तरफ से आवाज निकलती है कि आप समझ ही नहीं सकते। हाँ, ये ऐसा ही लगता है। ये एक भोपू है जिसमें एक बार फूंक मारो तो पता नहीं कहाँ कहाँ से हवा, ये कहाँ कहाँ से आवाज आएगी, इसलिए से किसी ने बजाएगी। और ये भी एक भोपू है। बीन है ये, इसमें इससे आवाज आवाज। और ये देखो, और ये उधर देखिए वहां पर क्या रखा हुआ है। ये पता नहीं क्या, काफी कलाकृतियां हैं, ये तश्तरियां हैं। ये एक हॉर्स है जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी है, बहुत चमकीली। और ये एक कलाकृति है, ये शायद बुद्ध का चेहरा है। स्टोन में इसको काट कर बनाया गया है। ओ, ये पीछे से ऐसे दिखता है। और ये ऊपर, ये भारत भवन का ऑडिटोरियम है, यहाँ पर बहुत सारे नाटकों की प्रस्तुति की जाती है। आज किशोरी अमोनकर की कंडोलेंस मीटिंग है यहाँ, और यहाँ पर इस तरह से गद्दियाँ बिछा के लोग बैठते हैं। कुछ खास लोगों के लिए सोफे लगे हुए हैं, आम लोगों के लिए कुछ कुर्सियाँ भी हैं, और सबसे आम लोगों के लिए गद्दियाँ हैं, और बाकी तो सब कुछ बहुत बढ़िया है, एयर कंडीशन है, गुड वन। अब हम लोग भारत भवन बहिरंग महल, बहिरंग महल यानी कि इसकी छत पर हैं। यहाँ हम देख सकते हैं मन्नू भाई विराजमान हैं, सामने एक एम्फी थिएटर है,
यानी कि ओपन एयर थिएटर, यहाँ पर भी प्लेज होते हैं। ये बिल्कुल झील के किनारे है और यहाँ से हम इसका पूरा एक दृश्य देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, शांतिपूर्ण है, बढ़िया है। अब यह हमारा भारत भवन से वापसी का प्रोग्राम चल रहा है। हम लोग वापस उसी गेट की तरफ जा रहे हैं जिस गेट से हमने प्रवेश किया था, और अब हम अपने अगले पड़ाव यानी कि सैर सपाटा करने जा रहे हैं और देखते हैं वहाँ क्या होता है। सो बाय बाय भारत भवन, सी यू।